ऐसे होता है। आज हम चितोई पिठा बनाने वाले हैं। जो बंगाल में बहुत ही चाव से खाया जाता है, इसके लिए मैंने चावल को 2 घंटा भिगा के रख दिया था, कच्चा चावल। फिर मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया और इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाला है मैंने। इसको ट्रेडिशनली मिट्टी के बर्तन में बनाए जाते हैं, तो मैंने हमने पहले से ही गर्म करने रख दिया, अभी हम डालेंगे। इसी तरह के एक ऊंचा कटोरी, नहीं तो आपको छोटा सा लीड हो ढक्कन, वो डाल देना, ऐसे रख देना इसके ऊपर। और इसमें पानी 1-2 बूंद छिड़क देना। इसको काची पूरा बोलते हैं बंगाल में, इसको गुड़ के साथ भी खाते हैं, नोलन गुड़ के साथ। इस काची पूरा पीठे को नोलन गुड़ की खीर के साथ खा सकते हो, खेजूर गुड़ भी बोलते हैं इसको। अगर इसकी रेसिपी चाहिए खीर की, तो मेरे चैनल पर विजिट करें।